हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूं। तो मैं हूं इस वक्त कानपुर में जयपुरिया क्रॉसिंग के पास, जहां पर नए ब्रिज का काम चल रहा है। तो इसका अपडेट दूंगा आज मैं इस वीडियो में आपको। इसको जयपुरिया क्रॉसिंग इसलिए कहते हैं कि यहां पर रेलवे ट्रैक है, इसके ट्रैक के पास जयपुरिया स्कूल है, इस वजह से इसको जयपुरिया क्रॉसिंग या लखनऊ क्रॉसिंग के भी नाम से जानते हैं। लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ गुजरने वाली ट्रेनों का आंकड़ा देखा जाए तो कम से कम 100 ट्रेनें हैं, जिसमें से 35 या 40 लगभग मालगाड़ी हैं, जिसके वजह से जब ट्रेन गुजरती है तो क्रॉसिंग बंद हो जाती है। इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता है क्योंकि लाखों लोगों का आना जाना है डेली इस रूट से, तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है इन लोगों को पार करने में। जाजमऊ केडीए से पंचक्की आने वालों या पंचक्की से जाजमऊ केडीए साइड जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्रॉसिंग के चलते, क्योंकि लंबे लंबे समय के लिए क्रॉसिंग बंद हो जाती थी, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता था। आने वाले लोगों को माल रोड होकर आना पड़ता था इस वजह से, क्योंकि ये क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती थी ओपन होने में, या ट्रेन का बिजी रूट कह लीजिए, इसकी वजह से टाइम लगता था लोगों को यहाँ से क्रॉसिंग पार करने में। तो ये पुल जब बन जाएगा तो आने जाने में आसानी हो जाएगी। दो लेन का ये पुल बन रहा है, अप एंड डाउन दोनों हो जाएगा, जिसका काम 2022 में लगभग अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, जो कि आधा हो चुका है। तो आज का वीडियो मेरा इसी पे होने वाला है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। जो भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सामने देख सकते हैं पंचक्की जाने का रास्ता है, और मेरे जस्ट पीछे राइट साइड में ये रास्ता है जो जाजमऊ जाता है, जहाँ से ये पुल स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि पिछले साल यानी 2022 में अप्रैल के लास्ट में इसका निर्माण की शुरुआत हुई है, तो अभी इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। साल के अंत तक या डेढ़ साल दो साल में जब भी ये रेडी हो जाएगा तो काफ़ी आराम हो जाएगी यहाँ के लोगों को। उत्तर प्रदेश सेतु निगम इसमें कार्यरत है, लगभग 59 से 60 करोड़ की लागत में इस पुल को तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो गार्डर ढाले जा रहे हैं वो सीधा कॉलम पर ही ढाले जा रहे हैं, इनको अलग से नहीं रखा गया है। अधिकतर आपने देखा होगा गार्डर अलग ढाले जाते हैं फिर लाके कॉलम पर रख दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधा गार्डर ढाले जा रहे हैं कॉलम टू कॉलम। अभी यहीं तक हुआ है, आगे देखिए सीरीज़ में कॉलम लगे हुए हैं, और देखते हैं ये कॉलम कहाँ तक है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रास्ता पुल बनाने की वजह से थोड़ा सा सकरा कर दिया गया है, लेकिन आपको कार वगैरह लाने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर जाम लगेगा तो आपका आना जाना इधर से पैक हो जाएगा, फिर आप नहीं जा सकते क्योंकि सामने ही है रेलवे क्रॉसिंग, बैक टू बैक ट्रेन आती है तो यहाँ काफ़ी जाम लग जाता है। ये देखिए ब्रिज लास्ट ब्रिज है, यहीं तक है, इसके पीछे कोई भी ब्रिज नहीं है, सामने ही है रेलवे ट्रैक। तो हम चलते हैं आगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके आगे भी कोई ब्रिज है कि नहीं है रोड के उस पार। मैं आपको फिर से बता दूं, वो जो कॉलम दिख रहा है उस तरफ है पंचक्की, और हमारे जस्ट पीछे है ये रेलवे ट्रैक, इसके आगे है जयपुरिया, तो हम उधर ही चल रहे हैं। जयपुरिया स्कूल है तो हम उधर ही चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये है वो रेलवे क्रॉसिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, उस तरफ है कानपुर सेंट्रल और मेरे पीछे है लखनऊ जाने का रास्ता। ये पूरा रेलवे ट्रैक, ये रास्ता जो है लखनऊ कानपुर के बीच का है। तो जिस वक्त यहाँ पर ट्रेनों का आना जाना शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, ये क्रॉसिंग लंबे लंबे टाइम के लिए बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं क्रॉसिंग के जस्ट बगल में ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये है सेठ आनंद राम जयपुरिया, मेरे ख्याल से ये सेठ आनंद राम ही लिखा हुआ है, हाँ सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, इसी वजह से इसको जयपुरिया क्रॉसिंग कहते हैं क्योंकि इसके जस्ट बगल में ये स्कूल है और क्रॉसिंग है। इस पार एक भी कॉलम नहीं है, यानी अभी ब्रिज का काम काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो फिलहाल ये क्रॉसिंग बंद हो चुकी है, अब हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पहले ट्रेन। क्रॉसिंग का गेट बंद हुए 20 मिनट हो गए हैं लगभग, 20 मिनट के बाद ये मालगाड़ी यहाँ क्रॉसिंग तक पहुँची है। इस 20 मिनट पे इस चालू रूट पे इतना ज़्यादा जाम लग जाता है क्योंकि अभी यहाँ पर ब्रिज बन रहा है तो लोगों को पता है, तो इस तरफ से काफ़ी लोग नहीं आते हैं। लेकिन आप ये मालगाड़ी देखिए, क्योंकि ये सेंट्रल से आ रही है, तो सेंट्रल से जब इस मालगाड़ी आती है इसको क्रॉस होने में, लखनऊ की ओर जा रही है, तो क्रॉस होने में इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से जाम और बढ़ जाता है। इस बीच अगर लखनऊ से कोई गाड़ी इस तरफ को आ जाती है तो डबल क्रॉसिंग हो जाती है। तो जब ये ब्रिज बन जाएगा तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप इस तरह की क्रॉसिंग पर अगर रुकें और ट्रेन क्रॉस हो रही है तो ट्रेन को क्रॉस हो जाने दिया कीजिए, एक दो मिनट रुक जाया कीजिए, क्योंकि जब डबल लाइन होती है ना तो आपको पता नहीं चलता है सामने वाले ट्रैक पर ट्रेन है कि नहीं, तो आप हादसे का शिकार हो सकते हैं या कोई भी किसी तरह का हादसा हो सकता है। तो बहुत ही एहतियात ट्रेन की क्रॉसिंग को इस तरह से क्रॉस करिए। जब क्रॉसिंग का गेट बंद हो तो जल्दबाजी ना करें, गेट खुलने का इंतजार करें। तो मैं क्रॉसिंग के इस पार हूं, और ये रहा जयपुरिया स्कूल का बोर्ड। तो गाइस ये बगल में है जयपुरिया स्कूल। तो यहीं तक था ये वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।